बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से है, जहां पर गुलमर्ग में कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन यहां पर कुदरत का ही कहर उन पर बरस गया। एवलांच में कई पर्यटकों के लापता होने की खबर मिल रही है। बर्फीले तूफान में फंसे कई पर्यटक, संपर्क टूट चुका है उन लोगों से। 3 विदेशी पर्यटक लापता हैं और इनमें एक की मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो ये गुलमर्ग से अच्छी खबर नहीं है। 3 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की सूचना अभी तक मिल रही है और एक की जान जाने की भी खबर मिली है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच के कारण जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे उनके लापता होने की खबर है। बर्फीले तूफान में फंसे कई पर्यटक, संपर्क उनसे टूट चुका है। 3 जो विदेशी पर्यटक है वो लापता बताए जा रहे हैं अभी तक। और ये उस एवलांच की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस एवलांच के कारण से ये पर्यटक लापता हैं। और इसी बर्फीले तूफान में ना सिर्फ ये पर्यटक लापता हैं बल्कि एक की जान जाने की भी खबर मिल रही है। देखिए इस वक्त गुलमर्ग में लगातार आप देख रहे हैं कि जोरों से बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पर सफेद चादर इस वक्त बिछ चुकी है। और इसी बीच आए बर्फीले तूफान ने पर्यटकों को फंसा लिया और 3 पर्यटक अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और एक की जान जाने की सूचना मिल रही है। ये खबरें बर्फीले तूफान की, जिस बर्फीले तूफान में पर्यटक फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें तस्वीर आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन इसी खूबसूरत तस्वीर में आए एवलांच ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर नजर रखी जा रही है। बाकायदा टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो लगातार जो पर्यटक वहां पर फंसे हैं उनके रेस्क्यू की कोशिश करती हुई नजर आ रही, क्योंकि 3 लोगों के लापता होने की सूचना अभी तक मिल रही है और एक पर्यटक की जान जाने की खबर मिल रही है। तो देखिए लगातार किस तरीके से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत 24 पर, एवलांच के बाद जो रेस्क्यू चल रहा है ये उसकी तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर से बाकायदा लगातार खोज की जा रही है, साथ ही साथ वहां पर जो टीम्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और पर्यटकों को सही सलामत बाहर निकालने की तमाम कोशिशों में इस वक्त टीम जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव भारत 24 पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए गुलमर्ग की ये तस्वीरें, इस वक्त एवलांच की ये तस्वीरें, एक तरफ एवलांच की तस्वीर है जहां पर इसी एवलांच में फंसकर जो पर्यटक है वो लापता हुए, और एक और तस्वीर जो कि उम्मीद दिखाती हुई नजर आती है, उम्मीद कि वो पर्यटक सही सलामत वापस आ जाएं, क्योंकि इन्हीं बर्फीले तूफान में फंसे लोग। और देखिए 3 विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है, ये खबर सुखद है, अच्छी खबर। तो 3 पर्यटक थे उनका रेस्क्यू किया गया है जिनके लापता होने की सूचना मिल रही थी। अभी खबर है कि उन 3 पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा चुका है, क्योंकि रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। और सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े। सैयद तजम्मुल, खबर यह है कि 3 लापता पर्यटक अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है उनका। देखिए रेस्क्यू टीम में जिस तरह से आर्मी और साथ में लोकल्स ने जिस तरह से इसमें हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर, क्योंकि अफरवट की जो ऊंची पहाड़ियां हैं जहां से ये एवलांच आया था, उसके बाद जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था बहुत कम वक्त में, जिस तरह से फॉरेन सिक्योरिस्ट को जो काफी दूर से खुसूस यूरोपियन कंट्री से जब सीकिंग के लिए आते हैं। लेकिन इसी बीच में बड़ी अहम अपडेट है कि जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ चल रहा है, खेलो इंडिया पर इसका कोई असर नहीं है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें वो कहती है कि ये जो कुछ मामला हुआ है इस पर बड़ा अफसोस है उन्हें, लेकिन खेलो इंडिया के फिक्स्चर्स पे मैच पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के जो सेना के जवान है उन्होंने हिस्सा लिया, लोकल्स के साथ सिक्किंग में जो एक्सपर्ट वहां पे लोकल्स हैं टंगमर गुलमर्ग के उन्होंने हिस्सा लिया, हालांकि डिविजनल इंतजामिया ने पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल 3 लोगों के रेस्क्यू की जानकारी मिल रही, कई लोग वहां पर लापता भी बताए जा रहे हैं। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया हो, क्योंकि जो लोग अपने हैं उनके लिए काफी परेशान भी हो रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो सिक्किम का रिजॉर्ट है, अपरवट का ऊपरी इलाका है, इसमें ये जो ये कोई रजिस्टर्ड सिक्किम में नहीं होते हैं, ये अपनी मर्जी से होटल में बैठते हैं, अपनी मर्जी से सिक्किम के लिए जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का फिक्स्चर है, जो खिलाड़ियों का है, जो प्लेयर्स वगैरह इसमें आए हुए हैं वो अलग से हैं। लेकिन हेल्पलाइन नंबर्स में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं और जो लोकल सिक्किम जो एक्सपर्ट है इसमें उन्हें फौरी तौर पर सहायता की अपील की है। हालांकि ये जो बर्फ के बाद पड़ने के बाद जब इसके अंदर दब जाता है तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एवलांच चंद सेकंड तक आने के बाद जाने तो बचाई गई है, लेकिन और ज्यादा एहतियात करना होगा। और जिस तरह से भारत 24 भी अपील करता है कि एवलांच के साइट में जहां अपर वट का बिल्कुल आने वाले 2-3 दिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से काफी बताया जा रहा है कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।